Alright, so let's start with our first trigonometric function, that is sin x. Sin x defined is from real to real. इसकी जो डोमेन है वो ऑल रियल है और इसकी जो रेंज है वो -1 to 1 है. दिस इज इट्स कोडोमेन. ठीक है, अब हम इसका इन्वर्स डिफाइन करना चाहते हैं और हमें पता है कि फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है, जब 1 1 और ऑन 2 होता है. और इस डोमेन और इस कोडोमेन में ये डेफिनेटली ना तो 1 1 है ना तो ऑन 2 है. ऑन 2 क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज -1 से 1 है और क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो 1 1 तो ये बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी डोमेन को कोडोमेन को दोनों को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने वाले हैं. ठीक है, मैं फंक्शन को एक बार दोबारा से रीडिफाइन करने वाला हूं, इसकी डोमेन को मैं छोटा करने वाला हूं और वो है -π/2 से π/2 और इसकी जो कोडोमेन है उसको मैं लेने वाला हूं -1 से 1. ठीक है, एक बार दोबारा अब इसकी इस इंटरवल्स को ध्यान से देखो, दैट इज मैं देख रहा हूं -π/2 से π/2. ओके, ये इस इंटरवल में हम बात कर रहे हैं और रेंज या कोडोमेन के हमने इक्वल कर दिए. -π/2 से π/2 में ये -1 से 1 दे रहा है और हम देख सकते हैं क्लियरली कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है फंक्शन, तो 1 1 है और ऑन 2 भी है. अब इस इंटरवल में क्योंकि मेरा फंक्शन बोथ 1 to 1 एंड ऑन 2 हो चुका है, सो मैं इसका अब इनवर्स डिफाइन कर सकता हूं. ठीक है, हमारे पास फंक्शन था y=sin x, यहां से अगर मैं लिखता हूं x तो मेरा मिलता है साइन इनवर्स ऑफ y. दिस इज इट्स नोटेशन. ठीक है, सो बेसिकली आई हैव f इनवर्स ऑफ y=sin इनवर्स ऑफ y. अगर मैं वेरिएबल चेंज कर लूं तो मेरे को मिलता है f inverse x = sin inverse of x. ठीक है, अब आपको पता है कि जब फंक्शन का इनवर्स डिफाइन हुआ तो उस केस में अब डोमेन बन जाएगी रेंज और रेंज बन जाएगी डोमेन. ठीक है, सो ये फंक्शन अब डिफाइन होगा फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, दैट इज f inverse will be from -1 to 1 to -π/2 to π/2. ठीक है, इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं. लेट्स ट्राई टू एक्सप्लेन इट थ्रू एरो डायग्राम. ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन था, मैंने इस सेट को ये रख लिया. ठीक है, और ये हमारा सेट है, इनको नाम दे देते हैं कुछ ए और ये कुछ बी और ये है आपका फंक्शन साइन एक्स. ठीक है, अब ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन, ए से बी में आपका साइन एक्स है तो बी से ए में आपका क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिफाइन होगा. ठीक है, हालांकि ये पूरा सेट जो है कॉन्टिन्यूस सेट है -π/2 से π/2 का और बी आपका एक कॉन्टिन्यूस सेट है -π/2 से π/2, बेसिकली इंटरवल है. मैं कुछ 2-3 वैल्यूज देता हूं दिखाने के लिए, जैसे यहां पे मेरे पास एक एलिमेंट है -π/2, देन आई हैव -π/6 +π/3 देन +π/2 और यहां पे मेरे पास वैल्यूज है -1 -1/2 1/√2 √3 / 2 +1 + 1/2 एंड और भी बहुत सारी वैल्यूज है. ठीक है, अब साइन कैसे काम करता है, साइन जब इनपुट -π/2 तो -π/2 पे क्या देता है आपको, -1 देता है. मैपिंग कर रहा हूं मैं, π/3 पे आपको देता है √3/2 देन +π/2 पे आपको देता है +1. दिस इज हाउ आवर साइन फंक्शन इज वर्किंग. इनपुट में कुछ एंगल्स आ रहे हैं तो आउटपुट में कुछ जो वैल्यूज मिल रही है वो कुछ -1 से 1 की रेंज में मिल रही है. अब इनवर्स कैसे काम करता है, आप देखो यही सारी वैल्यूज जब मैं रिवर्स में देखूंगा तो आपको इनवर्स वैल्यूज मिलेगी. तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि 1 पे साइन इनवर्स इधर से डिफाइन है तो साइन इनवर्स 1 कितना होगा, आपको ये देखना है कि साइन बेसिकली 1 कब देता है. अब साइन इनवर्स 1 पे वो एंगल देगा मुझे. ठीक है, तो साइन इनवर्स 1 कितना, π/2. साइन π/2 पे आपको 1 देता है तो साइन इनवर्स 1 पे π/2 देगा. सिमिलरली अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स ऑफ -1/2, अब साइन इनवर्स ऑफ -1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का
पाई बाय सिक्स एंड सो ऑन। ठीक है, सो आपने देखा कि साइन फंक्शन था इस सेट से इस सेट में, तो इनवर्स ऑब्वियसली फिर बी से ए में चला गया। ये इनपुट है साइन की, ये आउटपुट है साइन की, और सिनवर्स की बात करेंगे तो ये इनपुट बन जाएगी, ये आउटपुट बन जाएगी। सो कैसे कैसे वैल्यूज मिलेंगी, बेसिकली साइन इनवर्स आपका आउटपुट में एंगल देता है और साइन आपका वही एंगल इनपुट में लेता है। ठीक है, बाकी इनवर्स डिफाइन करने के लिए हमें वन वन ऑन टू बनाना था, तो उसके लिए हमें इसकी डोमेन और रेंज को, कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा, इसको मुझे रेंज के इक्वल करना ताकि वन वन और ऑन टू हो जाए फंक्शन। ठीक है, और फिर हमने डिफाइन करा ये है अब क्या, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज माइनस वन टू वन, और ये है आपकी रेंज ऑफ साइन इनवर्स एफ दैट इज माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया कि हाउ साइन इनवर्स इज डिफाइंड एंड हाउ इट इज वर्किंग। अब एक लास्ट चीज और देख लेते हैं, दैट इज ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। इनवर्स में ही तुमने ये पढ़ा था कि एफ और एफ इनवर्स एक्स के जो ग्राफ्स होते हैं वो y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनते हैं। तो ठीक है, हम यहीं पे देखते हैं। सबसे पहले तो ये कि मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं यहां से, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इस इंटरवल में देख रहा हूं। तो अब ये तो है आपका साइन एक्स, y इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज ले ली है, तो ये मैं y इक्वल टू एक्स लाइन डाल लेता हूं पहले। ठीक है, अब मिरर इमेज लेने की कोशिश करो तो देखो आपका ग्राफ कैसे मिलता है। ठीक है, क्लियरली वन पे क्या मिलेगा आपको, पाई बाय टू, ठीक है, और माइनस वन पे माइनस पाई बाय टू। तो फंक्शन आपका कुछ इस तरीके का बनता है, दिस इज योर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये प्लस वन से बेसिकली माइनस वन से प्लस वन में डिफाइंड है और रेंज में देता है हमें माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। दिस इज योर फंक्शन साइन इनवर्स ऑफ एक्स। क्लियर, सो प्लीज डू रिमेंबर कि हमने डिफाइन कैसे किया। अब याद रखना क्या है आपको, इसकी ये डोमेन अच्छे से रट लेनी है, फिर रेंज, देन डेफिनेटली ग्राफ भी हमें बहुत अच्छे से इसका पढ़ना है और याद रखना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। सो लेट्स हैव अ लुक एट कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। कॉस इनवर्स भी आपका बेसिकली रियल से रियल ही डिफाइन है, तो प्रॉब्लम अभी भी वही है कि रियल से रियल में ये वन वन और ऑन टू नहीं है, तो मैं फिर से एक बार इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करने वाला हूं और इसके अब मैं इसकी डोमेन लेने वाला हूं जीरो से पाई, और जो कोड मेन है उसको इसकी रेंज के इक्वल रख देंगे माइनस वन से वन। नाउ इन दिस डोमेन एंड इन दिस कोड मेन अब ये फंक्शन आपका वन वन ऑन टू है, तो इनवर्स हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये जरूरी नहीं है कि मुझे जीरो से पाई ही ये वन वन और ऑन टू था, मैं कुछ पाई से टू पाई भी ले सकता था, बट हमने न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यूज का सेट चूज कर रखा है सारे फंक्शंस के इनवर्स को डिफाइन करने के लिए, उनकी डोमेन जो है वो न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, अब अपना देखते हैं इनवर्स। तो इस केस में जो आपका एफ इनवर्स एक्स है वो हो जाएगा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और जैसे कि हमने पहले देखा कि एफ इनवर्स एक्स Now this set will be from minus 1 to 1 to 0 to pi. ठीक है, ये अब आपकी इसकी डोमेन है cos inverse की, that is minus 1 से 1, और इसकी जो रेंज है वो है 0 से pi. फंक्शनिंग वैसी ही है जैसे कि अगर मैं बात करूं कि cos inverse ऑफ 1 कितना होगा, अब cos 1 भी कब होते हैं 0 पे, so 0 is the answer. सिमिलरली अगर मैं पूछूं कि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन, कॉस माइनस वन कब मिलते हैं पाई पे, तो ये आपका आ गया आंसर पाई। देन कॉस इनवर्स ऑफ वन बाय टू, ऑफ कोर्स कितना पाई बाय थ्री, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय टू
अब इस इंटरवल में देखो, ठीक है, या फिर कह दो कि इस इंटरवल में कॉस 1/-1/2 कब था, दैट इज π/π/3 सेकेंड क्वार्टर में, विच इज 2π/3। तो ये कितनी वैल्यू है, 2π/3, ठीक है। सो ये काम करने का तरीका है। बाकी क्यों हमने, मैंने इस पर बुक बता ही दिया कि हमने क्या सेट ले रखा है और क्या सोच के ले रखा है, वही हमें न्यूमेरिकली स्मॉलेस्ट वैल्यूज चाहिए थी, ठीक है। बात करते हैं ग्राफ की, ये कॉस का ग्राफ है। हम दोबारा एक बार बात करेंगे 0 से π इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन में, और ग्राफ ये कॉस है, तो कॉस इनवर्स का हमें चाहिए अब एक मिरर इमेज अबाउट दिस लाइन y=x। सो इस केस में ये हो जाएगी आपकी, दिस विल बी फ्रॉम लाइक दिस, आप ठीक है, ये आपका 1 और यहां पे आपका -1 पे आपको मिलेगा कितना वैल्यू पाई, और 1 पे 0, देन 0 कब है π/2 पे, ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ x, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ x जो ग्राफ था वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा था, और कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। सो ये बात, ये पॉइंट भी आप नोट डाउन करना, काफी इसका यूज होता है हमारे आगे प्रॉब्लम, ठीक है। सो नाउ यू हैव सीन साइन इनवर्स ऑफ एक्स एंड कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सिमिलरली आपके जो बाकी के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसके हम इनवर्स डिफाइन कर रखे, वो आप खुद से ट्राई करना, ठीक है, उनके ग्राफ्स भी खुद से ट्राई करना। मैं फिलहाल आपको उनकी जो प्रिंसिपल डोमेन और रेंज है वो दे देता हूं, और फिर आपको उनको अच्छे से याद करना, ठीक है, और फिर हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे उन्हीं पे बेस्ड। ऑलराइट, तो हमने अभी अभी साइन और कॉस के इनवर्स को डिफाइन किया, हमने ये भी देखा कि एक्चुअल में साइन और कॉस इन्वर्टिबल नहीं थे, फिर उनको इन्वर्टिबल बनाने के लिए हमने उनकी डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट करा, ताकि और फिर एक ऐसा इंटरवल चूज किया जिसमें वो इन्वर्टिबल हो गए, यानी कि 1:1 और ऑन 2 फंक्शन बन गए। फिर हमने उनकी इनवर्स को डिफाइन करा और साथ ही साथ में उनके ग्राफ्स को भी देखा। तो हम जल्दी से बाकी के 4 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देख लेते हैं। इनके लिए भी सेम हमने काम कर रखा है, हमने इनकी डोमेन को कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट करा और इनको इन्वर्टिबल बनाया, और फिर इनका ग्राफ भी अकॉर्डिंगली बने, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। फर्स्ट हमारा है tan इनवर्स ऑफ x। tan इनवर्स ऑफ x डिफाइन होने के बाद इसकी जो डोमेन है ये ऑल रियल है, और इसकी जो रेंज है इट इज -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है ये कुछ ऐसा बनता है, -π/2 से π/2 में जाता है, फिर -∞ से +∞ x की वैल्यू, और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता हुआ आपको वैल्यूज देता है। याद रखना, मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता हुआ, ऑब्वियसली कुछ सिग्निफिकेंस है और बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, हम प्रॉब्लम्स में इस चीज को बहुत ज्यादा यूज करने वाले, ठीक है। सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स को जब डिफाइन किया तो इसकी डोमेन बन के आई ऑल रियल, और इसकी रेंज 0 to π ओपन इंटरवल। ग्राफ देखो तो यहां से पता चलता है कि आपका फंक्शन पाई से 0 के डिक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली पाई से 0 पे डिक्रीज कर रहा है स्ट्रिक्टली, ठीक है। और डोमेन आपको मिलता है यहां पे नजर आ ही रही है कि -π∞ से +∞ में हमारा ग्राफ जा रहा है, क्लियर। देन वी हैव कोसेकेंट इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी जो डोमेन है इट इज -∞ to -1 1 to ∞। जैसे आप देख ही रहे हो कि जो सारी की सारी जो डोमेन्स मिल रही है ये एक्चुअल में इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, यानी कि tan, cot और cosecant इनकी रेंजेस हैं, तो वही डोमेन रेंज रेंज डोमेन बन जा रही है, तो ये प्रोसेस को जो फंक्शन वाला है वो लगी रहे, ठीक है। और इसकी जो रेंज है वो अब आ रही है आपकी -π/2 से π/2 -0, ये आपको 0 नहीं देते हैं और -π/2 से π/2 में वैल्यूज देता है बाकी सारी, ठीक है। इसका जो ग्राफ है वो देखिए ध्यान से, यहां से इट इज -∞ से -1 और 1 से ∞ में डिफाइन है। पहले आपका ये 0 से आपका -π/2 पे डिक्रीज करा, फिर आपका वापस एक इंटरवल के बाद यानी कि 1 के आगे +π/2 से 0 को डिक्रीज करा, तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ है। लास्ट हमारा सीक्वेंट इनवर्स ऑफ एक्स, जिसकी डोमेन अगेन -∞ से -1 1 से ∞। अब इसकी रेंज है 0 to π -π/2, ये आपको बस π/2 नहीं देता है, ठीक है। और इसका जो ग्राफ है कुछ ऐसा है, ये -∞ से π को इंक्रीज किया -1 तक, फिर आगे
वन से इसने वैल्यू ली जीरो, वापस से इंक्रीज करा पाई बाय टू पे, ठीक है। तो ऑल ओवर इसके जो ये हम कहेंगे ऑल द होल कोई इंक्रीजिंग तो नहीं है, बट हाँ अपने अपने इंटरवल्स में ये इंक्रीज कर रहा है। तो बेसिकली कहां पे ये इंक्रीज कर रहा है और कहां पे डिक्रीज कर रहा है, ये सारे ग्राफ्स की मैं बात कर रहा हूं, ये आपको बहुत ध्यान में रखने हैं और बहुत ही दिल से कोशिश करना आज कि डोमेन और रेंज इतने अच्छे से रट लो कि आप बहुत ही बेसिक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई एंड आंसर देम। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय रूट टू। अच्छा जल्दी से देखो कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय रूट टू कब होता है, साइन माइनस वन बाय रूट टू कब होता है, माइनस पाई बाय फोर पे। बस इनकी डोमेन और रेंज का ध्यान रखो, ऐसा नहीं है कि साइन माइनस वन बाय रूट टू सिर्फ माइनस पाई बाय फोर पे भी देखता है, ये किसी थर्ड क्वाड्रेंट में भी किसी एंगल में देगा, बट इसकी जो रेंज है वो कहां से कहां है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है डेफिनेटली उस इंटरवल में कहीं ना कहीं तो मुझे मिल ही रही है, तो मुझे उस इंटरवल में वो एंगल पता करना है जब साइन माइनस वन बाय रूट टू देता है, और वो कौन सा एंगल कौन सा है, एंड दैट इज माइनस पाई बाय फोर। ओके नेक्स्ट आई हैव दिस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय रूट टू। अब इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या है, जीरो से पाई। अब जीरो से पाई में आप ये देखो कि कॉस नेगेटिव यानी कि माइनस वन बाय रूट टू कब देता है, ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में, एंड दैट वुड बी पाई माइनस पाई बाय फोर, दैट इज थ्री पाई बाय फोर। सो इसकी वैल्यू है थ्री पाई बाय फोर। अब आगे देखो हमारे पास टेन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री, टेन इनवर्स की रेंज देखो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, माइनस रूट थ्री कब देता है, ऑब्वियसली माइनस पाई बाय थ्री पे, ठीक है। देन आई हैव दिस वैल्यू कॉट इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय रूट थ्री। अब ये नहीं है कि इसकी वैल्यू माइनस पाई बाय थ्री लेते हैं, हालांकि ऐसा माइनस पाई बाय थ्री पे भी ये माइनस वन बाय रूट थ्री देता है, बट कॉट इनवर्स की जो रेंज है वो है जीरो से पाई, तो हमें इसकी रेंज में एंगल ढूंढना है जब ये वैल्यू देगा माइनस वन बाय रूट थ्री। तो ऑब्वियसली जीरो से पाई में पाई बाय टू से पाई दैट इज सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको ऑब्वियसली नेगेटिव वैल्यू देगा माइनस वन बाय रूट थ्री, कब देगा, पाई माइनस पाई बाय थ्री दैट इज टू पाई बाय थ्री, ठीक है। तो इसका सम कर लो जल्दी से, हमारा क्या मिल रहा है, ये आपका माइनस 45, ये 135, आपका बचा 90 प्लस 60 आई हैव 150, एंड दिस थिंग 150 प्लस 120, सो इट इज 270 यानी कि 3 पाई बाय 2। ओके क्या किया, वैल्यूज देखी और डोमेन और रेंज को ध्यान में रखा। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। नी यू टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ऑफ दिस थिंग, ये आपका कुछ एंगल है, कॉस वन बाय टू कब देता है आपको, पाई बाय थ्री पे, प्लस टेन माइनस वन बाय रूट थ्री कब देता है आपको, हमने अभी देखा टेन माइनस वन बाय रूट थ्री दैट इज इट इज माइनस पाई बाय सिक्स पे। सो ये एंगल कितना बन रहा आपका, 60 माइनस 30 60 डिग्री। सो आई हैव टेन ऑफ पाई बाय सिक्स विच इज इक्वल्स टू वन अपॉन रूट थ्री, ठीक है। ये देखो जल्दी से, अब सेकंड इनवर्स माइनस रूट टू ऑब्वियसली नेगेटिव है, तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी रेंज में यानी कि पाई बाय टू से पाई के बीच में एंगल मिलेगा, और कौन सा मिलेगा, इट इज थ्री पाई बाय फोर प्लस कॉट इनवर्स ऑफ माइनस वन, फिर वही कॉट इनवर्स की रेंज भी जीरो से पाई, तो इसकी वैल्यू कितनी, थ्री पाई बाय फोर। आई हैव दिस एंगल इक्वल्स टू हाउ मच, सो इट इज बेसिकली थ्री पाई बाय टू, तो सेकंड ऑफ थ्री पाई बाय टू आपको कितना देता है, इट इज माइनस वन, सो इट इज द आंसर, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पे मेरे को वैल्यू निकालनी है साइन टू साइन इनवर्स ऑफ थ्री बाय फाइव। अब ये जो वैल्यू है थ्री बाय फाइव, ये मेरी कोई नॉन एंगल्स में से नहीं है, बट डेफिनेट सॉरी नॉन ऐसी इस ये वैल्यू किसी नॉन एंगल पे मुझे नहीं मिलती, बट हाँ ये कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ही, तो लेट्स से ये कोई एंगल थीटा है, और थीटा आपका कहां से मैं क्या कहते हैं, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू। तो मैंने क्या मान लिया, साइन इनवर्स 3 बाय फाइव इक्वल्स टू थीटा, और यू कैन से दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 3 बाय फाइव। सो यहां पे मेरा क्या बन गया, अब ये फॉर्मूला बन गया साइन ऑफ 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा कितना होता है,
टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, कोई गलती होगी तो ध्यान देना। यहां पे टू टाइम साइन थीटा कितना था अपना, थ्री बाय फाइव। अब साइन थीटा थ्री बाय फाइव है तो क्लियरली कॉस थीटा कितना, फोर बाय फाइव। सो फाइनल आंसर कितना बन रहा है, ये तीन छह चौबीस, दैट इज 24/25। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल्स। सो क्वेश्चन आई हैव हियर इज यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस कॉस ऑफ टू टेन इनवर्स ऑफ टू प्लस साइन ऑफ टू टेन इनवर्स ऑफ थ्री, ठीक है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। सो इसको मैं कुछ एंगल मान लेता हूं, लेट्स से दिस इज सम एंगल अल्फा, दिस इज सम एंगल बीटा। टेन इनवर्स ऑफ टू इज अल्फा, दैट मीन्स टेन अल्फा कितना हो गया टू, और सिमिलरली यहां से टेन बीटा कितना हो गया थ्री। अब ये आपका बन गया बेसिकली दिस इज कॉस ऑफ टू अल्फा प्लस साइन टू अल्फा। मैं टेन वाला फॉर्मूला लगा देता हूं, दैट इज कॉस टू थीटा इज वन माइनस टेन स्क्वायर अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, एंड सिमिलरली साइन टू थीटा दैट इज टू टेन अल्फा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा। तो वैल्यूज पुट करते हैं, मेरे पास है वन माइनस जिसकी वैल्यू अपने पास टू, फोर, वन प्लस फोर प्लस ये आपका थ्री, एंड दिस इज वन प्लस नाइन, ये आपका आ रहा है माइनस थ्री अपॉन फाइव प्लस ये कट गया, दिस इज प्लस थ्री अपॉन फाइव। सो बेसिकली योर आंसर इज जीरो। ओके, कोई डाउट? आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। हियर आई हैव यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन ऑफ टू टेन इनवर्स वन अपॉन फाइव माइनस फाइव बाय फोर। देखो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलेज हैं वो तो आपको यहां पे लगेंगे लगेंगे, तो फिर उनको एक अच्छे से रिवाइज कर लेना इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, ठीक है। अगेन वही करता हूं मैं, लेट से दिस एंगल इज सम थीटा, तो सबसे पहले इसकी वैल्यू जो मेरा एक्चुअल में टू थीटा बन गया उसको ही निकाल लेता हूं, ठीक है। सो टेन टू थीटा कितना हो गया, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज मेरे पास वैल्यू आ गई टू इंटू वन अपॉन फाइव वन माइनस वन अपॉन ट्वेंटी फाइव। सो ये आपका बन रहा है दो चौबीस बारह पांच कटेंगे, दिस इज फाइव अपॉन ट्वेल्व, ठीक है। अब इस पे आते हैं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये आपका बन गया बेसिकली टेन टू थीटा माइनस फाइव बाय फोर। अगेन टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाओ तो मेरे को मिलता है टेन टू थीटा माइनस टेन फाइव बाय फोर विच इज वन अपॉन वन प्लस टेन टू थीटा और टेन फाइव बाय फोर फिर से वन, ठीक है। वैल्यू हमारे पास आई इसकी, ये अपना फाइव अपॉन ट्वेल्व माइनस वन, और ये आपका हो गया वन प्लस फाइव अपॉन ट्वेल्व, और ये आपको दे रहा ऊपर माइनस सेवन और नीचे 17, सो योर आंसर इज माइनस सेवन अपॉन 17, ठीक है। आई होप कि इस तरह के क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो रहे हैं धीरे धीरे। कोई डाउट है तो आप प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जो भी डाउट होंगे आपके डाउट में सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लो, फिर हम कुछ और करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, हमें वैल्यू निकालनी है साइन ऑफ टेन इनवर्स ऑफ
cos of cot inverse of minus 1 upon root 3. So बहुत सारे brackets हैं, ठीक है, बहुत सारे function लग गए, but कोई tension वाली बात नहीं है, अंदर से शुरू करते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। So देखो ध्यान, सबसे पहले हमने अभी आई थिंक थोड़ी देर पहले लिखा था cot inverse of minus 1 by root 3, cot negative कहां पे है, इसके रेंज में देखो वही सेकंड क्वाड्रेंट में आपको अवेलेबल लगे, माइनस 1 by root 3 है, तो दिस एंगल इज 2 पाई by 3, ठीक है। अब cos 2 पाई by 3 कितना हो गया, अगेन ये आपको दे रहा है माइनस 1 by 2, सो मेरे पास लगा हुआ कितना बाहर, अब tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 by 2, 1 by 2 और उसके बाहर है आपका साइन, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अगेन लेट्स से दिस एंगल इज सम थीटा, सो आपका tan थीटा कितना हो गया माइनस 1 by 2, ठीक है, हमें क्या निकालना है साइन ऑफ थीटा। अब tan अगर माइनस 1 by 2 है तो नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली फिर ये जो थीटा है वो माइनस पाई बाय टू से जीरो में कहीं होगा, कुछ नेगेटिव एंगल होगा, सो कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो वो भी फिर नेगेटिव का ही मिलेगा, ये आपका परपेंडिकुलर ये बेस, तो ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन, ये आ गया आपका रूट 5, सो ये आपको निकालना था, दैट इज साइन ऑफ थीटा, सो दिस इज योर आंसर। सो ये सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास, यू नीड टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज, ओके, हमें डोमेन और रेंज निकालने फॉलोइंग फंक्शंस की, मैं आपको कुछ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे रहा हूं, ठीक है। द फर्स्ट वन इज, लेट्स से वी हैव वाई इक्वल्स साइन इनवर्स ऑफ 2x² - 1, सो साइन इनवर्स की डोमेन की बात करें तो माइनस 1 से 1 में है, तो मेरे को ये जो वैल्यू है दैट इज 2x² - 1, ये हमें चाहिए कहा माइनस 1 से 1 में, आप बड़े सिंपल से अलजेब्रिकल स्टेप्स को फॉलो करो, माइनस 1 किया तो ये आपको आ गया 2x² फ्रॉम 2 टू 0, ओके, और यू कैन से x² फ्रॉम 0 टू 1, और पॉजिटिव तो है ये, x² आपका 1 से छोटा है, आगे मैं स्टेप लिख रहा हूं तो x आपको कहां से कहां मिलेगा माइनस 1 से 1, सो ये आपके आ गई डोमेन इस फंक्शन की, रेंज निकालनी है बड़ा आसान है, आप इन्हीं स्टेप्स को थोड़ा सा रिवर्स में ट्रेस कर लो, आप देखो जब x माइनस 1 से 1 में है तो आपको ये कंडीशन मिल रही है 2x² यहां से है, तो बेसिकली ये जो वैल्यू आ रही है कहां से कहां आ रही है माइनस 1 से 1, और साइन इनवर्स माइनस 1 से 1 में क्या देगा आपको माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, आपको ग्राफ भी अच्छे से क्लियर है इस डोमेन में, ये इसकी जो रेंज है वो तो स्टैंडर्ड रेंज ही है माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन और देखो, लेट्स से मेरा जो फंक्शन है इट इज y इक्वल्स टू सम tan इनवर्स ऑफ रूट ऑफ x² - 1, ठीक है, tan इनवर्स की मैं डोमेन की बात करूं तो ऑलरेडी होती है, तो tan इनवर्स को कुछ मर्जी डाल सकते हैं, पर यहां पे जो रूट रखा हुआ है इसको भी डिफाइन होना पड़ेगा, तो इसको डिफाइन होने के लिए बस यही करना है, ये जो रूट के अंदर वाले टर्म है इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्लियरली आपको x क्या मिल रहा है बड़ा आसान सा माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, तो ये बन गई आपकी डोमेन, बात करते हैं रेंज की। अब tan इनवर्स की अंदर एज ए इनपुट रखा हुआ है ये रूट, स्क्वायर रूट यानी कि कोई पॉजिटिव वैल्यू है, आप एक काम करो यहां से शुरू करो, मुझे पता है x² - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो क्लियरली ये जो रूट भी है ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो फिर ये आपका 0 से इन्फिनिटी चला जाएगा। अब 0 से इन्फिनिटी में tan क्या देगा आपको, अगर आपके दिमाग में है ग्राफ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं आपको जल्दी से ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि tan इनवर्स का ग्राफ होता है कुछ ऐसा, ठीक है, हम इसके इनपुट में दे रहे हैं वैल्यूज जो कि आपकी 0 से इन्फिनिटी तक मिल रही है, तो 0 से इन्फिनिटी में ये क्या देगा 0 से पाई बाय 2 एज ए रेंज, ठीक है, तो इन दिस इंटरवल ये आपको वैल्यूज देगा फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2, 0 क्लोज्ड पाई बाय 2 ओपन, अगेन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन और,
सो प्लीज लेट मी नो दैट इफ आई एम फास्ट, अगर मैं कुछ ज्यादा फास्ट हूं तो आप थोड़ा सा अगेन कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक है, विल टेक योर फिट फ्रॉम ऑनवर्ड्स और फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और है, यहां पे मैं आपको फंक्शन दे रहा हूं सम कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ठीक है। डोमेन की अगर मैं बात करूं तो कॉस इनवर्स के डोमेन माइनस वन से वन, तो ये जो वैल्यू है आपको चाहिए माइनस वन से वन में, मेरे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन से वन, ये तो एक पॉजिटिव वैल्यू है तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई विदाउट चेंजिंग एनी इनइक्वालिटी, तो ये आ गया माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, यहां से अगर मैं राइट वाले इनइक्वालिटी देखता हूं तो क्या आ गया आपका वन जीरो से बड़ा, वो तो हमेशा ही ट्रू है, और यहां से लेफ्ट से देखता हूं तो मेरे को क्या मिल गया, ये माइनस वन और ये तो चला गया टू एक्स स्क्वायर, इससे छोटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये भी हमेशा ट्रू, तो क्लियरली दिख रहा है कि एक्स आपका कुछ मर्जी हो ये इनइक्वालिटी मेरी हमेशा ट्रू बैठती है या फिर ये हमेशा माइनस वन से वन में ही लाई करने वाला है। सो डोमेन क्या आ गई आपकी ऑल रियल, बात करेंगे रेंज की। अब रेंज निकालना थोड़ा सा टीडियस है, सबसे पहले क्योंकि कॉस इनवर्स है तो कॉस इनवर्स की इनपुट देखनी पड़ेगी, एक्स तो चलो ऑल रियल है बट ऑल रियल के कॉरेस्पॉन्डिंगली ये हमें क्या दे रहा है, ठीक है। हमने शुरुआत करी थी कि ये माइनस वन से वन में रखा था, अगर ये तो हर एक वैल्यू दे रहा है माइनस वन से वन के बीच में तो कोई टेंशन नहीं है, तो फिर हमारी रेंज हो जाएगी सिंपल क्या जीरो से पाई। बट आप ध्यान से देखो यहां पे साफ नजर आ रहा है कि ये एक पॉजिटिव वैल्यू है तो ये एक्चुअली माइनस वन से तो हमेशा बड़ा ही है, तो यहां पर इनिक्वालिटी यहीं पर छोटी हो जाती थी, इसको जीरो से वन में रखना था। जो भी मैं बोल रहा हूं पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं, एक काम करते हैं जबरी करी सारा कुछ करते हैं और उसके बाद देख लेते हैं, ठीक है। सो हमें क्या देखना है कि ये जो कॉस की इनपुट है मैं इसको कुछ अगेन वाई डैश मान लेता हूं और ये मेरे पास है कितना एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये कहां से कहां लाई करता है और फिर इसको देखने के बाद मैं उसके ऊपर कॉस इनवर्स अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। आपने कर रखा है अल्जेब्रिकली अगर मैं करूं तो क्या मिलता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस वन प्लस वाई डैश इक्वल टू जीरो, तो मैं इसको ध्यान से देखूं तो आपको क्या मिलता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आपको मिलता है वाई डैश अपॉन वन माइनस वाई डैश, ठीक है। तो क्योंकि एक्स स्क्वायर एक पॉजिटिव वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो जैसे मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करता हूं तो आप देखो ध्यान से एक इनइक्वालिटी यहां से माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया y डैश माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, सिंपल सी इनइक्वालिटी बन गई दैट इज जीरो वन, वे भी कर्व लगाया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें क्या चाहिए नेगेटिव, तो ये आपको क्या दे रहा है y डैश बिलोंग्स टू जीरो टू वन, वन में ओपन आएगा क्योंकि वन डिनोमिनेटर में आपका जीरो बना रहा है नॉट डिफाइन हो जाएगा, तो बस ये जो y डैश है यानी कि ये कॉस इनवर्स की इनपुट है ये क्या दे रही है आपको जीरो से वन। अब जीरो से वन है तो जीरो से वन में कॉस इनवर्स क्या देता है, आप अगर वैसे देखना चाहते हो तो देख लो एल्जेब्रिकली अगर मैं देखूंगा तो ये जो इनपुट है वाई डैश ये कहां से कहां है जीरो से वन, ठीक है। इस पे मुझे क्या अप्लाई करना है कॉस इनवर्स ऑफ वाई डैश, तो आप बस इस चीज का ध्यान रखो कॉस इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन है, जैसे मैं आपका यहां पे अप्लाई करूंगा ये फंक्शन इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, तो सबसे पहले कॉस इनवर्स ऑफ वन विच इज इक्वल टू जीरो एंड कॉस इनवर्स ऑफ जीरो विच इज इक्वल टू पाई बाय टू, तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ये जो फंक्शन है आपको रेंज मिल रही है कहां जीरो से पाई बाय टू, ठीक है। दिस इज योर आंसर, अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो ग्राफिकली भी आप देख लो कि कॉस इनवर्स का ग्राफ कैसा होता है, ठीक है। ग्राफिकली ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, मैं बार बार बोलता हूं आपका कुछ ऐसा ग्राफ है, ठीक है। हमारे इनपुट में क्या गया था जीरो से वन, जो वाई डैश था वो क्या था जीरो से वन, तो ये आपका जीरो और ये वन, वन पे ओपन था, जीरो पे क्या मिल रहा है मुझे पाई बाय टू, तो रेंज पे क्या मिलेगी ये वैल्यू, ठीक है, वैल्यू विच इज जीरो टू पाई बाय टू, ऑब्वियसली जीरो ओपन और पाई बाय टू क्लोज, तो यहां से भी क्लियरली नजर आ रहा है कि हमें जीरो से वन में जो वैल्यूज मिल रही है वो मिल रही है जीरो से
पाई बाय टू, ठीक है, रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ग्राफ बहुत हेल्पफुल है जैसे कि मैंने बोला था, और आप क्वेश्चंस में भी फॉलो कर ही रहे हो। और आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स देखेंगे, कुछ और बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट लेट्स से मेरा एक फंक्शन है, मैं सिंपल से क्वेश्चन बना रहा हूं वापस, साइन कॉस इनवर्स ऑफ जेंट ऑफ एक्स, ठीक है, क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स जा रहा है यहां कॉस इनवर्स की, या फिर अगर मैं बात करूं साइन इनवर्स जेंट ऑफ एक्स, हमें निकालने हैं इनकी डोमेन और रेंज, ठीक है। चलो इसकी बात कर दें तो अगेन कॉस इनवर्स की डोमेन माइनस वन से वन, तो ये जो बॉक्स है ये आपका लाइक करना चाहिए माइनस वन से वन में, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर पे हमने काफी प्रैक्टिस की थी। अगर जेंट माइनस वन से वन में है तो एक्स कहां हुआ, एक्स आपका लाइक करेगा माइनस वन से टू ओपन में, ठीक है। तो ये बन गई आपकी डोमेन, दैट इज एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन टू टू ओपन। अब माइनस वन से टू में बॉक्स आपको दे रहा है माइनस वन से वन, अब मुझे पता है इसने तो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज देनी है, तो माइनस वन से वन में इंटीजर वैल्यूज क्या क्या बनेंगी हमारे पास, ऑब्वियसली एक तो बनेगा माइनस वन और एक जीरो और एक वन। अब कॉस इनवर्स की इनपुट में ये जो बॉक्स फंक्शन है यानी कि इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये सिर्फ तीन वैल्यूज देगा माइनस वन जीरो और वन, और कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको कॉस इनवर्स यानी कि वाई इन पे क्या देने वाला है, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस वन पाई, कॉस इनवर्स ऑफ जीरो पाई बाय टू, एंड कॉस इनवर्स ऑफ वन जीरो। तो ये बन गई इसकी रेंज, ठीक है। साइन इनवर्स में भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस डोमेन तो वही रहने वाली है क्योंकि साइन इनवर्स की भी डोमेन माइनस वन से वन में, बस और डोमेन अगर ये है तो इस इंटरवल में साइन इनवर्स आपको क्या वैल्यूज देगा, साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन बस माइनस पाई बाय टू, जीरो पे जीरो और वन पे पाई बाय टू। तो थोड़ा सा चेंज आया डोमेन में, रेंज में डोमेन तो आपकी बदली है, ठीक है। आई होप कि ये भी समझ में आया हो। चलो एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से और ले लेते हैं, थोड़ा सा और मैं चेंज कर रहा हूं। लेट्स से इसकी अब मैं बोल रहा हूं कॉस इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। सो या फिर आप कह सकते हो साइन इनवर्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, दोनों को ही देख लेते हैं साइमल्टेनियसली, दोनों में डिफरेंस भी हमें नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा आप टाइम लो और देखो कि यहां पे क्या बन सकती है हमारी वैल्यूज, डोमेन और रेंज। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ये भी हमने अभी रिसेंटली पढ़ा पिछले चैप्टर में, तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा डोमेन के लिए मुझे इसको क्या करना है, माइनस वन से वन, ये बेचारा तो होता ही जीरो से वन में है, मुझे पता है ये तो आपका जीरो से वन में होता है, ठीक है, इसका सबसेट ही है। दैट मीन्स कि मुझे पता है कि ये तो हमेशा जीरो से वन में आने वाला है और हर एक एक्स के लिए। तो आ गया आपका आंसर एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल एक्स, आप कुछ मर्जी रखो इसने क्या वैल्यू देनी है, जीरो से वन, जीरो से वन में कॉस इनवर्स डिफाइंड है बस। तो डोमेन इज ऑल रियल, रेंज की बात करते हैं, रेंज वही है कि अब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल ये आपको क्या वैल्यू देगा, जीरो से वन, और जीरो से वन में कॉस क्या वैल्यू देगा, देखो इनपुट में क्या जा रहा है जीरो से वन, तो ये हमें वैल्यू देने वाला है कॉस इनवर्स जीरो पे पाई बाय टू, रिवर्स कर दो और वन कब जीरो पे, ये आ गई कॉस इनवर्स की रेंज। साइन इनवर्स के लिए अगेन डोमेन तो फिर वही होगी ऑल रियल, और अब साइन इनवर्स में भी ये जो वैल्यू है क्या है जीरो से वन में, तो जीरो से वन में साइन इनवर्स वही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो जीरो पे देगा जीरो और वन पे देगा पाई बाय टू, ये बन गई साइन इनवर्स की रेंज, ठीक है। दोनों में डिफरेंस देख लो, यहां पे जीरो पे ओपन है पाई बाय टू पे क्लोज है, यहां पे जीरो पे क्लोज है पाई बाय टू पे ओपन है। आप ग्राफिकली देखोगे तो बहुत अच्छे से नजर आएगा, सो डू माइंड माई वर्ड्स, ग्राफिकली देखते जाओ, अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ती है। बट
अलजेब्रिकली आपको ये आना ही आना चाहिए। अलजेब्रा से हम भाग नहीं सकते हैं, ग्राफ प्लस पॉइंट्स होते हैं, क्लैरिटी ज्यादा मिलती है, अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, बट अल्टीमेट काम तुम्हारा इन्हीं अलजेब्रिकल से ही होना होगा। ठीक, चलो आगे चलते हैं। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, लेट्स से मेरे पास है y इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ e की पावर x, मैंने साइन इनवर्स के अंदर रख दिया e की पावर x, बड़ा सिंपल है। साइन इनवर्स की डोमेन क्या है, माइनस वन टू वन, तो ये e की पावर x में तो कहां चाहिए, माइनस वन से वन में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मुझे पता है कि हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, तो मैं इसको ये लिख सकता हूं। अब हमें यहां से निकालना है x, x निकालने के लिए क्या करो, log अप्लाई कर दो, ln जीरो क्या मिलेगा, माइनस इनफिनिटी, और यहां पे मिला x, और ln वन क्या मिला, जीरो, तो आ गया आपका डोमेन x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी टू जीरो। आया समझ, आया कि नहीं आया, चलो आया तो बहुत अच्छी बात है, और मैं फिर एक बार बोलूंगा ग्राफिकली ज्यादा क्लैरिटी मिलती है तो मैं आपको ग्राफिकली भी दिखा देता हूं ताकि क्लैरिटी रहे, कोई डाउट ना रहे। ठीक है, चलो अब हमारे पास एक तो साइन इनवर्स, साइन इनवर्स के अंदर e की पावर x, तो साइन इनवर्स का आप बाद में देखते हैं, पहले तो e की पावर x देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है हमारे पास, ये माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में डिफाइंड है, और रेंज है इसकी जीरो ओपन से, जीरो कभी ये देता नहीं है वैल्यू, और प्लस इंफिनिटी तक देता है, ये आपको वन देता है जीरो पे, क्या देता है वन, तो बेसिकली ये e की पावर x रखा हुआ है साइन इनवर्स की इनपुट में। अब साइन इनवर्स जो इनपुट लेता है वो तो लेता है माइनस वन से वन, आप देख रहे हो कि e की पावर x आ गया जीरो से आया और यहां पर वन हुआ, फिर आगे वन से बड़ा हो गया। ठीक है, तो मुझे तो ये वन से आगे वाली वैल्यूज चाहिए नहीं, क्योंकि ये तो साइन इनवर्स ले नहीं सकता, तो इसने जो वैल्यूज देनी है कौन सी देनी है, सिर्फ यहां तक की, और यहां तक की जो वैल्यूज है वो कौन से एक्स के कोरिस्पॉन्डिंग है, यहां पे माइनस इनफिनिटी से लेके जीरो तक, बस ये तो हमें चाहिए था कि जब माइनस इनफिनिटी से जीरो में एक्स, तो एक ही बार एक्स कहां पे है, जीरो से वन में, और उसके आगे जाता हूं तो वो वन से बड़ा हो जाता है, साइन इनवर्स उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक, सो डोमेन मिल गई क्या, फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू जीरो क्लोज्ड। ठीक है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली ई की पावर एक्स ने क्या दिया आपको, ई की पावर एक्स ने दिया जीरो से वन, अब जीरो से वन में साइन इनवर्स क्या देगा, ग्राफिकली देखना है तो ग्राफिकली देख लो, अब तो काफी प्रैक्टिस हो गई, जीरो पे क्या देगा, जीरो, और वन पाई बाय टू पे। ठीक है, सो देयरफॉर आवर रेंज इज जीरो टू पाई बाय टू।